मेरी तरह खूबसूरत सा हसीन सा ड्रेस आप जैसा होगा तो फिर मुश्किल है, आपसे कम होगा। मुझे ये भी वैसे बहुत प्यारा लग रहा है, मेरा इस पे भी दिल आ गया है, वैसे तो सब पे ही दिल आ गया, एक तो दिल मेरा बहुत जल्दी आता है चाहे वो कुछ भी हो। हमारी नल्ली ड्राइवर ने गाड़ी ठोक के अब चोरों की तरह भाग गई। गाइज आई होप यू आर डूइंग ग्रेट, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो बस अभी मैं रेडी हुई, उठी और मेकअप शेकअप किया थोड़ा बहुत, अब मैं जा रही हूँ अपने ड्रेस देखने के लिए डिज़ाइनर के पास। सो जोहान को मैं घर पे छोड़ूंगी और उससे पहले मुझे अपनी बहन का एक छोटा सा काम करना है मॉल में। पहले मैं मॉल जाऊँगी, देन उसके बाद मैं जाऊँगी तीन तलवार। सो गाइज जोहान को मैं छोड़ के जा रही हूँ, ये भी बहुत बिजी हुआ है। बात यह है कि मेरे पास गाड़ी भी नहीं है आज, और ये जो मैंने सैंडल्स पहना है बहुत ठक ठक कर रहे हैं। जोहान को मैं छोड़ कर आई हूँ घर पे क्योंकि उस दिन उसने बहुत ज़्यादा मुझे तंग किया था और कुछ भी नहीं करने दिया था। ये मुझे मिल गई। हेलो, कैसे हो? तुम्हें कैसे पता मैं आ गई? मैंने खुद कभी देखा गाड़ी में। तो वैसे की बात यह कि मेरा फ़ोन सिर्फ और सिर्फ 1% चार्ज है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ब्लॉग कैसे कंटिन्यू रखूँगी। सोच रहा हूँ कि नीचे आउटफिटर्स पर जाऊँ और उनसे बोलूँ कि मेरा फ़ोन चार्ज पर लगाएं। क्यों जा रही? सही है, कभी ज़िंदगी में मेरा फ़ोन चार्ज नहीं होता। मेरे तारिक रोड पे अच्छे ड्रेसेस थे वैसे बहुत, लेकिन वो लोग मेरे साथ ज़बरदस्त स्कैम करने वाले थे। क्यों, क्या स्कैम कर रहे थे? क्योंकि मैं आमीन में बच गई। क्या स्कैम कर रहे थे? अबे उसने मुझसे बोला कि आपने मुझे 20,000 नहीं दिए, आपने मुझे 15,000 दिए, हालाँकि मैंने उनको 20,000 दिए थे। फिर मैंने अपने पास काम किया तो मेरे पास 5,000 काम। अच्छा, बस तो लिए नहीं। जरी के साथ स्कैम हो रहा था लेकिन जरी ने स्कैम नहीं होने दिया अपने साथ। तो हम लोग वानिया पे आ गए हैं और एक यहाँ से ड्रेस देखना है मुझे अपनी बहन के लिए। सो ये इनकी फॉर्मल कलेक्शन है। एक ड्रेस मैं आप लोगों को दिखाती हूँ उसकी पिक्चर। सो मुझे वो ड्रेस आई गेस यही वाला है, लेकिन मुझे कंफर्म कर दें कि ये है या नहीं। ठीक है, बहन ने जो मुझे ड्रेस बोला था देखने को वो गया आउट ऑफ स्टॉक, ना उसमें स्मॉल साइज़ है ना उसमें मीडियम साइज़ है। तो मैंने इनसे बोला कि आप लाहौर में चेक कर लें या अपने किसी और आउटलेट में चेक करके मुझे बता दें, बट ये कह रहे हैं कि आते ही ख़त्म हो गया था। तो अब वो चेक करें और फिर मुझे बता दें। तो मैं कुछ समझ आया कौन सा दिखाओ? बहुत प्यारा लग रहा है, नाइस, बहुत हसीन लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। चेक कर लिया आपने? मैंने ग्रुप में मैसेज डाल दिया, हमारे शॉप का ग्रुप जो है ना। अच्छा, जैसे रिप्लाई करते हैं मैं आपको ठीक है आपको बता दें। वैसे ये ड्रेस मैं जब जब देखती हूँ ना तब तक मुझे इतना हसीन लगता है, लेकिन हाँ सही है। लेकिन मसला ये है कि अब ये वाला आर्टिकल इनका हो गया बहुत पुराना और ये सब ने पहन लिया है और हम लोग बहुत लेट हो गए। तो मैं मशवरा इसलिए दे रही हूँ, तुम पहन लो तुम्हारी खैर है, और तुम लोगी तो मैं भी पहन ही लूँगी ना तुमसे लेकर। मसला ये कि जो ड्रेस मैं देखने आई थी ना वो ड्रेस इनका हो गया आउट ऑफ स्टॉक, और वो बना रहे हैं, कह रहे हैं हम ऑर्डर पे बनाएंगे और ऑर्डर में भी 1 महीने बाद मिलेगा। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमारे पास जस्ट 20 डेज हैं, तो 1 महीना बहुत लेट हो जाएगा। और मेरी बहन को यही वाला ड्रेस पसंद आया था, ये वाला था वो ये ड्रेस, तो उसने कहा तुम जाओ जाकर देखो, अगर ये बहुत प्यारा लग रहा होगा वैसे रियल में देखने में तो मेरे लिए ले लेना, लेकिन मसला ये कि होगा तो लूँगी ना। वैसे और भी इनके पास काफ़ी सारी अच्छी कलेक्शन है, तो सोच रही हूँ कि इसमें से कुछ दिखा दूँ उससे, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही मेरी। मुझे नहीं ना वो ये नहीं पहनेगी, क्या है ये, क्या कहते हैं काफ्तान, काफ्तान ना, हाँ सॉरी, नहीं ना वो काफ्तान कहाँ पहनेगी, इतनी छोटी सी हाइट है उसके। तुम ये ले लो, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ जरिए बहुत हसीन लग रहा है, मेरी मानो तो प्रॉमिस ये बहुत प्यारा लग रहा है। मुझे डिज़ाइनर से ड्रेसेस ना मिलते तो मैं अपने लिए ख़रीद लेती, लेकिन जब मुझे मिल रहा है तो मैं क्यों पैसे ज़ाया करूँ। सो गाइस जरिए ट्राई करने जा रही है और देखती हूँ कि कैसा लग रहा है। वैसे तो दिखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है, लेकिन पहनने में देखते हैं कैसा लग रहा है। जो चीज़ दिखने में बहुत प्यारी लगती है वो पहनने में अक्सर इतनी अच्छी नहीं लग रही होती, और जो चीज़ दिखने में अच्छी नहीं लगती वो पहनने में बहुत प्यारी लगती है कभी कभार, ये मुझे किसी ने बताया था। सो अब जरिए ट्राई कर रही है, बहुत प्यारा लग रहा है, हील्स पहनूंगी तो और प्यारा, बहुत हसीन लग रहा है, ले लो बहुत प्यारा लग रहा है, सोचो नहीं अब। सो जरी का ये ड्रेस फाइनल हो गया और जरी ने ले लिया है, क्योंकि मैंने इसे बोला है सब यही स्टाइल पहन रहे तो तुम भी यही पहन लो। सही है, अच्छा लग रहा है तुम्हें? पहनने में बहुत प्यारा लग रहा था,
तो ये सो गाइस जरी ने ले लिया अपना वो वाला ड्रेस वानिया का, क्योंकि इसको बहुत प्यारा लग रहा था और वो ड्रेस मेरी बहन को भी बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैंने कहा उसे ले लो तुम। तो उसने कहा नहीं, अगर जरी ले रही है तो फिर मैं नहीं ले रही। तो अब हम आ गए हैं आउटफिटर्स, आउटफिटर्स से मुझे लेनी है अपनी चीज़ें। बहुत प्यारा लग रहा है, बस मुझ पर प्यारा लगे, वैसे तो अच्छा लग रहा है यार। विंटर्स आते नहीं, विंटर्स का स्टॉक पहले आ जाता है यहाँ पर। मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल साइज निकाल देंगी। कैसी हो? ठीक हो? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बोले तो स्मॉल निकाल दो। नहीं यार, एक्स्ट्रा स्मॉल निकाल दो, स्ट्रेचेबल है ना, तो वो स्मॉल वहाँ से यहाँ पर आ गई। मैं जहाँ जाती हूँ तो वहीं पे ही आती हो, बस देख लो जहाँ जाओ मैं जाऊँ मेरे पीछे पीछे। हाँ बिल्कुल ठीक है, जुहान को आज मैं अकेला छोड़ कर आई हूँ। सो गाइस हमने कर लिया आउटफिटर से शॉपिंग, कुछ खा लें सरी, कुछ पीना है, मुझे खाना है, कुछ सैंडविच खाना है। मेन्यू देखो, डाइनिंग करेंगे। हमारा ऑर्डर आ गया है जी। आप ब्राउन ब्रेड में लाए, मैंने वाइट ब्रेड बोली थी, बट ठीक है। कैसे तुम एक्सचेंज करते? नहीं नहीं सही, अभी टाइम लगता है। अच्छा है, बहुत अच्छा। फिर बीन को भी मार रही है। सीरियसली कॉफ़ी बीन से भी ज़्यादा अच्छी है। ओह माय गॉड गाइस, इससे ज़्यादा मुझसे खाया नहीं जा रहा, बस मंगवाने का शौक था मुझे और ये बस इतना सही खाया मैंने। ये पार्सल कर दें बस, सही है। हमने खा पी लिया है, शॉपिंग भी कर ली है, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और फिर हमने उठानी है गाड़ी। थोड़ा सा गाड़ी का मसला चल रहा था, एसी काम नहीं कर रहा था, तो भाई ने वो मैकेनिक को दी हुई है वो सही हो जाए, बल्कि वो सही हो गई है। तो अब हमने यहाँ से गाड़ी उठानी है, गाड़ी उठाने के बाद हमने जाना है क्लिफ्टन। सो बस हम यहाँ से निकल रहे हैं और फिर गाड़ी लेकर हम क्लिफ्टन जा रहे हैं। चलो चलिए, इनको पावर बैंक दे दूँ मैं, बेचारों ने मुझे पावर बैंक दिया, मेरा फ़ोन शुक्र है थोड़ा बहुत चार्ज हो गया। थैंक यू सो मच, आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी। इससे बोलो 250 रुपये में लेके चले। भाई 250 रुपये बिल्कुल सही है, 300 रुपये नहीं 250 रुपये सही है। ये मान गया। आगे वाले सरी गाइस, हम कामयाब हो गए 250 रुपए में, यही बात है। वाह रक्षा भी नया है इसका। हमने 50 रुपए के लिए इतनी बार्गेनिंग की है, उस बेचारे ने भी सोचा गरीब रह गया इनको ले जाओ। तो भाई अब हम जा रहे हैं, गाड़ी हमने ले ली थी पहले, हम ऑटो में आए यहाँ पर, अब हमने गाड़ी ली और अब हम जा रहे हैं। काफ़ी लेट हो गए हैं, वैसे हमेशा जल्दी का सोचते हैं और हमेशा हम लेट हो जाते हैं। मैंने सोचा था कि हम जल्दी निकलेंगे लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। पहुँच गए हैं नमान एंड भैया, अब हम लगा रहे हैं अपनी गाड़ी पार्किंग में। यहाँ पर पार्किंग मिलना बड़ा मुश्किल काम है गल्फ़ पे। पहुँच गए नुमान एंड भैया और हमारे नुमान एंड भैया बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं, इनका बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है। लेकिन मुझे सेलेक्ट करना था अपना यहाँ से ड्रेस, तो अब आप मुझे प्लीज़ सर प्लीज़ मुझे ड्रेस दिखा दें। कोई अच्छा सा मेरी तरह खूबसूरत सा हसीन सा ड्रेस। आप जैसा, वो तो फिर मुश्किल है, मुझसे कम हसीन है कोई बात नहीं दिखा। लेकिन आपके ड्रेसेस माशाल्लाह नो डाउट। अभी इसने डमी पे कोई ड्रेस देखा था, जरी कह रही है नबीहा ओह माय गॉड इतना हसीन, मैंने कहा जी बिल्कुल मैं अपनी शादी में पहनूंगी अब इंशाल्लाह। तुम्हारी शादी में मैं तुम्हें डायरेक्ट यहीं लेकर आऊंगी। एक बॉटल गिंग वाला निकाल के दिखा दो, साहिल हाथी वाला और एक है ना कुलसुम वाला, पीसेस को दिखा दो तो मैं जो अच्छा लगे ट्राई ऑन कर। सही है, आप मुझे दिखा दें मैं देख लेती हूँ। तो अभी मैं ड्रेस ट्राई करती हूँ फिर देखती हूँ कि कौन सा मुझे अच्छा लग रहा है। ये ऑप्शन पहनने के लिए एक ये गोल्डन वाला है जो इनके पास है, मुझे एक ये और एक ये गोल्डन बहुत पसंद आया। सो अब मैं ये ट्राई करूँगी और देखूँगी मुझ पर जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा मैं वही लूँगी। वैसे नो डाउट इनके सारे ड्रेसेस बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह सर। क्यों जरी गिर जाऊँ? अच्छा है ना पूरा ड्रेस है कि तुम गिर रही हो। अपनी भाभी का भी ड्रेस इन्हीं से बनवाया है और मेरे घर पर कोई भी इवेंट होता है, कोई भी फंक्शन होता है तो मैं इनसे ही ड्रेसेस बनवाती हूँ। और मैंने अपनी मेहंदी में भी इन्हीं का ड्रेस पहना था। सारे इनके दूसरे आउटलेट जो मैंने ड्रेस सेलेक्ट किया है वो मुझे ट्राई करना है, ट्राई करके मैं देखूँ ज़रा वो कैसा लग रहा है मुझ पर। ये है इन लोगों का दूसरा आउटलेट, ये पकड़ना बॉटल। यार कितना हसीन लग रहा है जहरी माशाल्लाह से, है ना खूबसूरत लग रहा है।
सो अब जो मैंने ड्रेस निकाला है उससे मैं करती हूँ ट्राई। इनके जो जो ऑप्शन मेरे पास थे वो मैंने सब ट्राई करके देखे हैं और मुझे ये भी वैसे बहुत प्यारा लग रहा है, मेरा इस पे भी दिल आ गया है। वैसे तो सब पे ही दिल आ गया, एक तो दिल मेरा बहुत जल्दी आता है चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन ये भी मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। इसका कलर बहुत खूबसूरत है, बट जो मैंने लिया है वो थोड़ा सा ब्राइट कलर है, थोड़ा सा डार्क है ना, टील कलर है राइट। हाँ, तो अब वो मैंने पहन कर तो नहीं दिखाया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो फिजूल में नज़र लग जाती मुझे। कर लिया हमने डिसाइड टील कलर वाला, वो बहुत प्यारा लग रहा है सबको। वैसे प्यारा तो सभी लग रहा था मुझ पे, सच बताऊं तो सब बहुत हसीन लग रहा था मुझ पे। क्यों जरी है ना, मानती हो अपनी दोस्त को पे? मानना पड़ेगा तुम्हें मुझे। फिटिंग वगैरह सही थी? फिटिंग थोड़ी सी करवानी पड़ेगी आपको। 22nd या 23rd? अरे आप इवेंट वाले दिन दे ना, आप हुक्म करें हम इवेंट वाले दिन के लिए चाहिए। नहीं नहीं, आप दो दिन पहले दे देगा मेरा ड्रेस। और ज्वेलरी तो मैं देख लूंगी, उसका मसला नहीं है, गोल्डन काम है ना, तो वो तो मैं कंट्रास्ट में ले लूंगी, उसकी टेंशन नहीं है। पिक्चर मैंने ले ली है, सो जूते भी मसला नहीं, इतनी टेंशन की बात नहीं है। सही है, चले, थैंक यू सो मच, अब बाय, मिलते हैं 23 मिलते हैं 23 नवंबर को। ड्रेस हमारा फाइनल हो गया था और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ क्योंकि हम सुबह से आवारा गर्दी कर रहे हैं। हमारी नल्ली ड्राइवर ने गाड़ी ठोक के अब चोरों की तरह भाग गए। ठीक है, मुझे बताओ कि मैं रिवर्स करूँ? हाँ, गाड़ी मैं चला रही हूँ ना, बताऊँ मैं? यार मुझे पता नहीं था, गलती से मुझसे गाड़ी लग गई और अब क्या करती, शुक्र है गाड़ी में कोई था नहीं, तो मैं बस अब भाग रही हूँ। शी इज़ नली ड्राइवर। गाइस अब हम मैकडोनल्ड्स पे आ गए हैं क्योंकि इसको लग रही थी भूख, हमने रास्ते से इसको ले लिया। अब जहरी मुझे पिला रही है क्या? जो जहर? जहर नहीं, जहरी मुझे पिला रही है कॉफ़ी। कितनी पेमेंट है? 21.95 बस। मेरी दोस्त ला रही थी, थोड़ा और अगर रख पूरे कार्ड, पूरे कार्ड। ये पकड़ो। अरे आइसक्रीम, ये मेरी मैकफ्लरी भी आ गई। अब तुमने नजर मारी ना मेरी आइसक्रीम पे तो अच्छा नहीं होगा। मेरी पे भी नहीं मारी तुम, मेरी पे नहीं मारना बिल्कुल भी। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ घर पे क्योंकि मैं जोहान को अकेला छोड़कर आई थी और अब वो भी तंग कर रहा है मम्मा लोगों को, और मम्मा लोगों को भी जाना था काम से, तो बस हमारा ऐसा होता है कि जिस दिन मैं निकलती हूँ उस दिन मम्मा लोग नहीं जा सकते, जिस दिन मम्मा लोग जाते हैं उस दिन मैं घर पे लेकर उसको बैठती हूँ, क्योंकि जाहिर है वो बच्चा है, वो बाहर हमारे साथ मार्केट जो इस तरह से नहीं जा सकता, वो बहुत तंग करता है। शूज लाई है आपके, वाओ कितने प्यारे की था, वाओ से थैंक यू मम्मी, थैंक यू मम्मी, पापा दो फिर चीज दूंगी। I love you mommy. I love you mommy. You are my jaan. Yes sir. ये monkey है हमारा monkey. क्या कर रहे हो? गिर जाओगे, नीचे उतरो। कुछ जहाँ जगह मिलती है चढ़ जाता है बस। सो गाइज यहीं पे मैं अपना ब्लॉग एंड कर रही हूँ। अब मैं रेस्ट करती हूँ, चेंज वेंज करती हूँ, मैं कहीं पर भी जाऊँ कुछ भी हो, बस छोटे छोटे से कोशिश करूँगी कि अब मैं ब्लॉग्स बनाकर अपलोड करूँ। और आई होप कि आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।